दिस क्वेश्चन इज़ फ्राम राजिया हाउ डू वी लर्न दी आर्ट ऑफ कन्वर्सन मैं समझता हूँ कि इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है स्वाब ये कि हम अपने यानी थिंकिंग प्रोसेस को एक्टिव करें सोचने को एक्टिव करें और कोई दूसरा प्रोसेस नहीं है जैसे मैंने अपने अंदर आदत डाली शायद बचपन से आदत थी मेरे अंदर कि जिस चीज़ को देखो उस पर सोचो जो देखो तो उस पर सोचो जैसे हज़ारों लोग देखते हैं चीज़ों को गुजर जाते हैं जैसे कि मैंने आप गुलाब की मिसाल दी कि गुलाब है और, और वहाँ पर थॉर्न है काटा है तो मैं समझता हूँ कि किसी ने भी शायद इससे सोचा नहीं कि ये एग्ज़ैम्पल यहाँ पर हमें एक मिल रहा है इससे कि यू हैव टू कीप डटेंस तुम अगर कोई तुम्हें काटा दिखाई पड़ रहा है तो उससे डिस्टेंस को मैंटेन करो और उसके बाद अपने आप सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा सोचा नहीं किसी ने तो सोचने की आदत डालिए और कोई दूसरा तरीका इसका नहीं है और दूसरी बात यह है कि आप अगर चाहते हैं आपके सोचना आए आपको तो यानी मैंने पाया है कि लोग यानी टाइम वेस्ट करते हैं अपने माइंड को झूठी सोचों में लगाए रहते हैं तो मैं अक्सर कहता हूं कि एक काम करने के लिए आदमी को दूसरा काम छोड़ना पड़ता है तो अगर आप चाहते हैं कि आपका माइंड सोचकर बातों को गहराई में निकाले तो आप अपने माइंड को कहीं और इंगेज करने से रोकना पड़ेगा अगर आप माइंड को छूटाई चीज़ों में बेकार चीज़ों में एंगेज किए हुए हों तो इम्पॉसिबल है कि वो चीज़ आपको हो जिसको हम तवसुब कहते हैं कि चीज़ों को सोच करके उससे कोई गहरी मीनिंग निकालना तो सिंपल फार्मूला यह है कि यानी बेकार चीज़ों में सोचना छोड़िए अपने माइंड को इंगेज रखना छोड़िए और यानी अपने माइंड को वहाँ लगाए जहाँ सोचने से आपको चीज मिलती है इन्हें एक चीज़ छोड़िए ताकि दूसरी चीज़ आपको मिले यह सिंपल फार्मूला